पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक, 7 अहम एजेंडों पर हुई चर्चा। सदन में छाया रहा फेंसिंग का मुद्दा। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक ने दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा, 3 वर्ष का पूरा हो चुका है कार्यकाल। 14 जनवरी को किया जाएगा नए अध्यक्ष का ऐलान, 7 से 14 जनवरी तक होगा स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट। 7वां वेतनमान के आदेश जारी होने पर बिजली कर्मचारियों में हर्ष, ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। नगर का एक छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिखाएगा कुश्ती कला के हुनर। लापता क्षेत्र में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत। और जटिल जांच प्रक्रिया से पशु दवा वितरण प्रणाली प्रभावित, 1 माह से प्रक्रिया पर लगा फेरा। और अब समाचार विस्तार से। जिला पंचायत के सभा कक्ष में बुधवार को सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें उपाध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। बैठक में प्रमुख 7 एजेंडों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। वन विभाग की समीक्षा के वक्त खेतों में फेंसिंग का मुद्दा छाया रहा। जनपद सदस्यों ने इस अहम मुद्दे को वन विभाग के DFO श्री यादव के समक्ष रखते हुए कहा कि जिले के जंगलों के समीप स्थित खेतों में जंगली जानवरों के आने के कारण फसलें चौपट हो रही हैं, वहीं किसानों को उस वक्त कानूनी समस्या से दो चार होना पड़ता है जब खेत में जंगली जानवरों की मौत हो जाती है। वहीं जनपद सदस्यों ने गांगुलपारा में वाहनों की वसूली बगैर रसीद के किए जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच करने की मांग की गई। इसके अलावा आदिवासियों को जो 10 साल से अधिक वन विभाग की भूमि पर रह रहे हैं, उन्हें पट्टे दिए जाने, चिखलाबड्डी में शौचालय निर्माण सामग्री पहुँचाने की मांग सदन में प्रमुखता से रखी। वहीं जिला पंचायत सदस्य डॉली कावरे ने ग्राम माटे के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान शीघ्र कराए जाने की मांग की। वहीं इस संबंध में DFO श्री यादव ने कहा कि उन्होंने 40 दिन पहले ही पदभार संभाला है और वे सभी विषयों पर उचित कार्यवाही करेंगे। वहीं पहली बार सदन की कार्यवाही में किसी DFO के शामिल होने पर सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया। सदन में इसके अलावा अन्य एजेंडों पर भी चर्चा की गई कि जो किसान धान लगाते हैं उसके बाद हमारे जंगली जानवर हैं जो बहुत परेशान करते हैं, तो इसके लिए कोई ऐसा स्कीम निकालिए आप लोग ताकि कृषि विभाग और फॉरेस्ट दोनों मिलके उन किसानों के लिए जो जिले के जो जंगली क्षेत्र लगा हुआ है तो यहाँ पर फेंसिंग की व्यवस्था कैसे होगी, क्या ऐसी कोई व्यवस्था शासन से है, उसके बारे में आप सदन को अवगत कराए। लेकिन वहाँ पे सीधे 50 रुपए 60 रुपए दिया जा रहा है, यहाँ पे फोर व्हीलर जो जा रही है उसे 100 रुपीज ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग मुआवजा देते हैं, पर मुआवजा के वास्तव में जो खर्च होता है उसकी तुलना में उनकी मुआवजा ये कहां होता है, ये मैं मानता हूं इस चीज को। और अभी हमारा भोपाल वाली मीटिंग होगी, बुधवार जाना है मुझे, कल कल आप रखिए इस बार, तो इस मुद्दे को हम जरूर रखेंगे शासन से, बहुत जरूरी है। और जो हमारे वन्य प्राणी शाखा को जो हमारे हेड देखते हैं प्रधान मुख्यमंत्री वन्य प्राणी, वो हमारे काफी इस बैठक के संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बिसेन ने कहा कि सामान्य सभा की बैठक में प्रमुख एजेंडों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। धान खरीदी करना है, मौर्य एक मुद्दा गरमाया होता यहाँ पर फेंसिंग को लेके। फेंसिंग के लिए क्या हुआ था कि यहाँ पर असल में क्या है कि जो मतलब कुछ कुछ गांव है जिले में, तो वहाँ पर क्या है जंगल के पास है खेत और जानवरों का बहुत बड़ा आतंक है, और उससे क्या होता है कि किसानों की फसल मतलब का नुकसान करते हैं, जंगली सुअर है, तो उसके लिए हमने एक प्रस्ताव लिया है शासन को भेजेंगे कि ऐसे स्थिति में मतलब वन विभाग किसानों के खेत की सुरक्षा के लिए कुछ मतलब शासन से मांग करे कि फेंसिंग की व्यवस्था पर की जाए। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक ने क्लब के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री पाठक ने बताया कि उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसीलिए वे त्याग पत्र दे रहे हैं। श्री पाठक ने यह भी बताया कि अगले अध्यक्ष का ऐलान 14 जनवरी को होगा, तब तक वे इस पद पर बने रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 7 से 14 जनवरी तक नारायण सह मेमोरियल स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।
इसमें राष्ट्रीय स्तर की 29 टीम हिस्सा लेंगी। 14 जनवरी को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा और उसी दिन नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के नए अध्यक्ष का ऐलान भी होगा। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का एक बहुत ही गरिमामय इतिहास रहा है और 41वें वर्ष में ये नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित स्वर्गीय नारायण सिंह मेमोरियल ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का जो हॉकी महाकुंभ के रूप में बालाघाट में जाना जाता है, एक बहुत ही अच्छी हॉकी देखने को पूरे जिले के लोगों को मिलती है। पूरे देश की प्रतिष्ठित टीमें उसमें इस आयोजन में भाग लेती है। ये तीसरा वर्ष मेरा भी है जब से मैं नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का अध्यक्ष बना था और इस तीसरे वर्ष में हमारी कोशिश होगी कि और भी ज़्यादा अच्छी टीमें आए। लगभग 29 टीमें पूरे देश की आ रही हैं। पूरी टीमों के नाम आपको अभी पूरे दे दिए जाएंगे, उसमें से 5-6 उम्दा किस्म की टीमें जो नहीं आई थी उनसे भी वार्ता लगभग पूर्णता की ओर है और लगभग सहमति उनकी भी बन रही है आने की। तो आगामी 7 जनवरी से 14 जनवरी तक जो हॉकी का महाकुंभ बालाघाट में जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के सहयोग से हमारे कलेक्टर साहब, डीपीसी साहब, एसपी साहब, सांगी साहब, हमारे युवा छोटे भाई नगर पालिका के अध्यक्ष अनिल द्वारे जी और बालाघाट में हमारे कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर जी बिसेन, सांसद फूल सिंह भगत जी और अन्य तमाम जनप्रतिनिधियों का इस आयोजन में भरपूर सहयोग रहेगा। बालाघाट के खेल प्रेमियों का ही नहीं वरन बालाघाट में खिलाड़ियों का भी बहुत अच्छा उत्साहवर्धन होगा, उनको सीखने का मौका मिलेगा। हमारे उस समय मैंने मुन्ना भैया से बोला था कि मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाता इस नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के साथ और हॉकी के साथ, मुझे लगता था कि मैं ज्यादा न्याय नहीं कर पाता, मुझे जितना समय देना चाहिए साल भर मैं 1 महीने का ही समय दे पाता हूँ। फिर भी सभी लोगों ने बोला कि कम से कम 2 साल तो आपको इसको आगे खींचना है। 2 साल बाद भी मैंने बोला था कि 2 साल हो गए मैं इसके साथ न्याय नहीं कर पा रहा, जितना ज़्यादा वक्त मुझे देना चाहिए हॉकी के लिए उतना नहीं दे पा रहा, तो आप सब लोग मिल करके कोई अन्य अध्यक्ष का निर्वाचन करें। तो फिर सबने बोला कि नहीं, 1 साल तो अभी आपको और भी स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष पद से दे दिया था, लेकिन सबके अपने बुजुर्ग हैं जो अध्यक्ष रह चुके, उन सबके आदेश निर्देश के कारण मैं इसको करता रहा हूं और आगे भी नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष के रूप में जब नहीं भी रहा तब भी मैं करता रहा। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और तमाम खेल कूद की प्रतियोगिताओं से मैं जुड़ा रहता हूँ हमेशा, लेकिन अब मुझे मेरी जो अपनी कल्पना है एस्ट्रोटर्फ की है और वो मेरी नहीं है, पूरे बालाघाट के जिले वासियों की, खेल प्रेमियों की है। तो 14 तारीख को जिस दिन इस आयोजन का समापन होगा, मैंने सबसे निवेदन कर लिया है, सबकी नेहरू स्पोर्टिंग क्लब में सबकी स्वीकृति भी प्राप्त कर लिया है और सबके स्वीकृति से ही 14 जनवरी को हम नए नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष की घोषणा भी करेंगे निर्वाचन उसी समय, और नए और पुराने और जो उस समय आगे आने वाले अध्यक्ष होंगे सब लोग मिलकर के हम यहाँ एस्ट्रोटर्फ की स्थापना के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास करेंगे। और लामता थाना क्षेत्र में 2 लोगों की अलग अलग हादसे में मौत हो गई। ढूटी निवासी 50 वर्षीय रमेश मरकाम की लाश वैनगंगा नदी के ढूटी बांध से बरामद की गई।
वहीं जन्मखार निवासी नंदकिशोर कुशराम की लाश छुई टोला में रोड किनारे एक कुएं में पाई गई। जानकारी के अनुसार जन्मखार निवासी नंदकिशोर कुशराम शराब पीने का आदि था। 24 दिसंबर की शाम भी वह घर से निकला तो वापस नहीं लौटा। उसकी लाश छुई टोला रोड किनारे एक कुएं से बरामद की गई। इसी तरह रमेश मरकाम वेनगंगा नदी के कछार में सब्जी लगाता था। रमेश मरकाम 24 दिसंबर को रिश्तेदारी में गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। उसकी लाश डूटी बांध में पाई गई। लामदा पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। नगर पालिका बालाघाट द्वारा बुधवार को काली पुतली चौक में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्वच्छता ऐप डाउनलोड करवाए गए। इस ऐप के डाउनलोड करने से आप घर बैठे स्वच्छता संबंधी शिकायत कर सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने लोगों को इस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना डिजिटल इंडिया, उसके तहत ये नगर पालिका पूरी नगर पालिका ई नगर पालिका हो गई है। उसी के तहत आज हमने स्वच्छता अभियान ऐप जो है बालाघाट नगर पालिका द्वारा भी इसको वो जारी किया गया है, तो उससे डाउनलोड कराने के लिए हम नागरिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड करके शिकायत संबंधित नगर पालिका की, स्वच्छता संबंधित शिकायत नगर पालिका की जो भी शिकायत है उसका निराकरण करने के लिए आपको नगर पालिका आने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं से आप फोटो खींच करके आप ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं। और नगर पालिका स्वच्छता संबंधित नहीं, नगर पालिका से जो भी कार्य संबंधित जो भी इनको जो भी परेशानी जो भी दिक्कत हो आप स्वच्छता ऐप में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका निराकरण होगा। और निराकरण होने के बाद में भी आप नगर पालिका की अच्छाई बुराई जो भी हो उसमें डाउनलोड करके आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को हम इसका लाभ दिलाएँ, इस कारण हमने आज स्टॉल के रूप में। मुस्लिम समाज की युवतियों को दीनी व दुनियावी तालीम से जोड़ने के लिए अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा शहर के वार्ड नंबर 10 रजानगर में एजुकेशन हब खोला गया है। इस एजुकेशन हब में समाज की उन युवतियों को तालीम दी जाएगी जो युवतियां किसी कारणवश बाहर शिक्षा प्राप्त करने नहीं जा सकती। यह एजुकेशन हब सुन्नी वेलफेयर कमेटी इंदौर के सहयोग से 30 साल पहले दान में दी गई ज़मीन पर बनाया गया है, जिसका नाम मरहूम जोहरा बी मरहूम रहमत बी अंजुमन इस्लामिया एजुकेशन हब रखा गया है। आज का कार्यक्रम हमारे अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट को आज से 30 साल पहले ये जगह ज़मीन दी गई थी और इस ज़मीन पे कमेटी जब से चार्ज में आई है तो चाह रही थी कि कुछ इसका फ़ायदा मिले, इस ज़मीन में कुछ बनाया जाए। तो इस कमेटी की सोच पे परवरदिगार का एहसान रहा कि हमको एक ज़रिया मिला सुन्नी वेलफेयर कमेटी इंदौर के मार्फत। उन्होंने हमें प्रपोज़ल दिया कि एजुकेशन सेंटर बनाने के लिए हम आपको ऐड दे रहे हैं, तो हमारी ज़मीन और सुन्नी वेलफेयर कमेटी इंदौर के ऐड से आज ये तामीर हुआ है, ये एजुकेशन सेंटर है। और ये एजुकेशन सेंटर ख़ास तौर से लड़कियों के लिए, जिसमें चाहे रिक्रूटमेंट सर्विस की कोचिंग हो या एजुकेशनल कोचिंग हो, इस पे फोकस करते हुए हम काम करेंगे। और इंशाल्लाह ये जो बना है मदरसा, इस मदरसे में ऐसे लोगों को बेनिफिट दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या क्राइटेरिया रखा गया है उम्र का कि किन कौन लोग एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, कौन महिलाएं? ये एजुकेशनल में एजुकेशनल का जो एज है और रिक्रूटमेंट सर्विस में रिक्रूटमेंट सर्विस की जो एज है, उस हिसाब से जो इसके ज़रूरतमंद हैं। और ख़ास तौर से जो हमारा ये जो जगह है, ये जगह ऐसी पूरी मुस्लिम आबादी के आसपास में है और जहाँ पे लड़कियाँ चाहती भी हैं कहीं ऐसी कोचिंग करना, लेकिन शहर में जाने से या कुछ ऐसा। राज्य सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश बिजली महासंघ की जिला इकाई ने कार्यपालन अभियंता कार्यालय के सामने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, साथ ही मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। इसके अलावा मध्य प्रदेश बिजली महासंघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगें पूरी किए जाने के संदर्भ में नारेबाजी करते हुए किरणापुर क्षेत्र में हुई दुर्घटना पर कनिष्ठ यंत्री AK पटले को जिम्मेदार मानते हुए उनको पद से बर्खास्त किए जाने की मांग की है।
मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश विद्युत महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार द्वारा सातवां वेतन की मांग स्वीकार कर ली गई है, लेकिन जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक महासंघ संघर्ष करता रहेगा। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ पदाधिकारी प्रदेश एवं जिला स्तर, मैं नितिन श्रीवास्तव। साथियों, आज हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े जो बजा रहे हैं, उसके पीछे ये है कि बहुप्रतीक्षित मांग बिजली कर्मचारियों की थी। राज्य शासन को तो सातवें वेतन मान का लाभ दे दिया गया था, पर एक लंबे अरसे से हमारे बिजली कर्मचारियों को सातवें वेतन मान का लाभ नहीं दिया जा रहा था। इसके लिए हमारे प्रदेश का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेशिक नेतृत्व, माननीय केपी सिंह जी हमारे बिजली कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष, माननीय हेमंत तिवारी जी अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ के अध्यक्ष, माननीय किशोरोली लाल रेखवार जी जो मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ के महासचिव हैं, और माननीय हमारे भोलानाथ नींद जी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और प्रदेश में भी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। इनके अथक प्रयासों से बिजली कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ कल घोषित किया गया। सातवें वेतनमान के लाभ में हमारे बिजली कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के जैसे ही लाभ की घोषणा हुई, जैसा इस पुरजोर तरीके से इसका हर्ष उल्लास के साथ हमने सबको एक दूसरों की बधाई के क्रम रखे, क्योंकि बिजली कर्मचारी एक सेना के ऊपर में सैनिक और वर्तमान परिवेश में एक बिजली का कर्मचारी, दोनों की महत्वपूर्ण और बिल्कुल साझा एक सी भूमिका है। जैसे सैनिक हर पल खतरों से लड़ते हुए अपनी जान देता है, हमको सुरक्षित रखता है, वैसे बिजली कर्मचारी हर घर को रोशन करने का काम करता है, चाहे ठंड हो, बरसात हो, चाहे किसी भी विषम परिस्थितियों हो, उपभोक्ताओं की सतत सेवा में कार्यरत रहता है। साथियों, ये सब हमारी एक अधूरी मांग है, हमारे संविदा कर्मचारी साथी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, इन सब की बहुप्रतीक्षित मांग है। जब तक उनको पूरा लाभ नहीं दिला पाते, देश का सबसे बड़ा संघ था बिजली कर्मचारी महासंघ, महासंघ सतत प्रयत्न। क्या लगता है कि अभी तक इतना विलंब हुआ और अभी जो मांगे पूरी हुई है, क्या इससे आप लोग सभी संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं, इसलिए खुशी की लहर है, पर हमारे जो साथी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, और हमारे जो फ्रिंज बेनिफिट हैं जो अधूरे रह गए हैं, जब तक वो पूरे नहीं रहते तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। ये हमारी अधूरी मांग है। जैसा हमारे पूर्व साथी ने कहा कि लगभग ये 70% 75% मान सकते हैं कि हमारी मांग पूरी हुई है। जब तक पूरी मांग नहीं होती, बिजली कर्मचारी महासंघ जो देश का सबसे बड़ा संगठन है, सतत पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखते रहेगा, और जब तक पूरा नहीं कराता जब तक चैन से नहीं बैठेगा। और दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण स्थिति, आज बालाघाट संभाग के अंतर्गत आज जो हम एकत्र हुए हैं, अपनी खुशी तो मना ही रहे हैं, साथ ही हम ऊपर उच्चाधिकारियों को अवगत कराने भी आए हैं कि बिजली कर्मचारी महासंघ जहां कर्मचारियों के लिए सतत प्रयत्नशील है, अभी वर्तमान में दो दुर्घटनाएं हमारे किन्नापुर वितरणगंज के ऊपर में हुई हैं। एक कनिष्ठ यंत्री की लापरवाही के कारण हमारा एक साथी मौत से जूझ रहा है, और एक साथी हमारा मौत काल कालवित हो गया, चला गया। तो हम यहां जो एकत्र हुए हैं अपनी खुशी मनाने के साथ, उस कर्मचारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। साईंधाम झालीवाड़ा में धार्मिक अनुष्ठान में दूर दूर से लोग आकर पुण्य लाभ ले रहे हैं। यहाँ साई महोत्सव के दौरान देवी भागवत पुराण का आनंद भी भक्तगण ले रहे हैं। इसी तरह रात्रि में मथुरा वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला कार्यक्रम भी किया जा रहा है। से शरण ग्रहण करता है, उस भक्त के जीवन में दो वस्तु की प्राप्ति होती है, एक योग और दूसरा छेन। गीता जी में योग और छेन प्राप्त रक्षणम क्षेमा, जो मैंने उसको पहले से ही दिया है, भजन करने के पहले ही दिया है, जो दिया है उसकी रक्षा करता है, जो मिल चुका है उसकी भी रक्षा होती है। इसलिए रात्रि आने के पहले अपने घर चलिए, मतलब मृत्यु आने के पहले
जिससे सभी की अधीनी रहते हैं। कुछ लोग वृद्धावस्था से तैयार हुए लेकिन होना है, नहीं तो सोचना है। जिंदगी निकल गई तब जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जिंदगी निकल गई तब जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, जब समय निकल गया तब सोचता है। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, परिणाम क्या होगा विपाक क्या होगा, मायूस हाथ मलते बेरंग वापस आया। गाड़ी निकलने के बाद कोई व्यक्ति अपने घर से सामान लेकर के निकलेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, मायूस हाथ मलते बेरंग वापस आया। और ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, कब, जब इस बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। मन की झालीवाड़ा में श्री साई मंदिर ट्रस्ट और झालीवाड़ा ग्रामवासियों के सौजन्य से साई वार्षिक उत्सव के माध्यम से मेले का हम हर साल आयोजन करते हैं। पिछले 8 सालों से परंपरा हमारा संस्कार और हमारी परंपरागत शैली के रूप में उभर कर हमेशा सभी के बीच में आया, जिसमें ग्रामवासियों का अमिट सहयोग है कि जिसे एक साल के लिए हमने मनाने का प्रयास किया था वो 8 साल तक निरंतर हमारे साथ चल रहा है। अब इस गांव के गौरव के रूप में आसपास के लोग और समीपस्थ गांव के लोग इसको देखते हैं, और यही नहीं कि झालीवाड़ा का हर एक निवासी और नागरिक, अभी तो हमारे समीपस्थ ग्राम के ग्राम पंचायत झालीवाड़ा के अलावा कौलीवाड़ा, अंसेरा, बासी, बकेरा, खापा, यहाँ के भी जो सरपंच, वहाँ की पंचायतें और वहाँ के नागरिक भी इस गांव का हिस्सा बनकर हमारे कदम से कदम मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास जो उनसे हो सकते हुए करते हैं। यह 8वां संस्करण है और इस बार भी विराटता और विशालता की मिसाल देने के लिए इस गांव का हर एक व्यक्ति तत्पर है। तो समापन में क्या होना है? समापन 10 दिवसीय जैसे कि आयोजन है, अब ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी सालों से सभी लोग इससे परिचित हैं, तो हर साल ये 10 दिवसीय आयोजन होता है। प्रारंभ हमारा जो होता है हर साल 22 तारीख दिसंबर से स्टार्ट होता है, जनवरी नए साल में ये जाके समाप्त होता है। 8-10 दिन की हमारी शालेय कुश्ती प्रतियोगिता में नगर के एक छात्र का नेशनल के लिए चयन हुआ है। यह रानी दुर्गावती स्कूल का कक्षा 11वीं का छात्र यशवंत नगपुरी है। छात्र यशवंत का कहना है कि उससे बचपन से ही कुश्ती खेलने का शौक है। अरे कब से कुश्ती खेलते आ रहे हैं आप? बचपन से आए। बचपन से ही? कहाँ कहाँ खेले हैं अभी तक आप? अभी तो बहुत जगह खेल लिए पर ये नेशनल पहली बार आ रहे हैं स्कूल से। वही स्कूल के प्राचार्य एस के तुरकर भी छात्र की इस सफलता से खुश हैं। सर आपका परिचय होता है? मैं एस के तुरकर प्राचार्य। सर आपके स्कूल का एक बच्चा नेशनल स्तर खेलने जा रहा है कुश्ती में। सर ये बहुत ही स्कूल के साथ साथ बालाघाट के लिए भी सौभाग्य का विषय है कि ये साले प्रतियोगिता में हमारे शाला का कक्षा 11वीं में अध्ययनरत बच्चा यशवंत नगपुरे ये राष्ट्रीय लेवल की जो कुश्ती प्रतियोगिता है उसमें भाग लेने के लिए जा रहा है। मैं और मेरा शाला परिवार और बालाघाट जिले के भी सभी नागरिकों की ओर से मैं इस बच्चे को शुभकामनाएँ मैं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह राष्ट्रीय लेवल की जो परीक्षा प्रतियोगिता है उसमें भी ये सफल होगा निश्चित रूप से। बहुत होनहार बच्चा है। कब से आयोजित होने वाली है सर ये? 3 तारीख से। कहाँ पर? जौलपुर, सॉरी नई दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम। पूरे पूरे इंडिया के इंडिया नेशनल लेवल की राष्ट्रीय लेवल की। पशु चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आयोजित गोकुल महोत्सव के खत्म होने के बाद से विभाग करीब 1 माह से पशु संबंधी दवाओं का वितरण नहीं कर पा रहा है, जबकि कंपनियों के द्वारा अहम दवाओं का स्टॉक विभाग को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी आर के उइके ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत दवाओं की टेस्टिंग को लेकर इंदौर में रिपोर्ट न आने के कारण दवा का वितरण नहीं किया गया। रिपोर्ट आने के बाद दवा का वितरण शुरू किया जाएगा। अपने पास जो मेडिसिन आई है इसको अपन भेजेंगे लैब टेस्टिंग के लिए, है ना? कहाँ भेजा जाता है? ये इंदौर। इंदौर ये कब तक टेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या रहता है? नहीं जैसे भी अपने पास इस्टा का मेडिसिन आ गई अपन इंदौर भेजेंगे, या मतलब जहाँ भी लैब है ना लैब को टेस्टिंग के लिए, और वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद यदि ओके रिपोर्ट आती है तो उन दवाइयों को अपन फिर फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा सर ये गोकुल महोत्सव के अंतर्गत। गोकुल महोत्सव के अंदर तो इसमें क्या मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी? हाँ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया था ना। किया था
अच्छा पूरे 10 ब्लॉक को दिया था आपने 10 ब्लॉक में 30 नवंबर के बाद क्या मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं नहीं, लेबर रिपोर्ट आएगी नहीं तब तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, स्पष्ट डायरेक्टर के निर्देश है। तो अभी में कितना समय लगे जैसे आपने बताया? इसके लिए कम से कम 15 दिन और लग सकते हैं। 15 दिन लगता है, लेकिन 30 नवंबर से अभी जैसे अभी ये महीना तो जाने वाला है। हाँ, बस ये जाने वाला है। तो क्या रिपोर्ट जनवरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इस संबंध में पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉक्टर विनोद कुमार वाजपेयी ने बताया कि हमारे द्वारा खरीदी गई पशु संबंधी दवाओं की टेस्टिंग आवश्यक है, लैब से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दवाओं का वितरण शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ दवाओं को छोड़कर अन्य दवाओं की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अनिवार्य तौर से सभी को लेबोरेटरी भेजा जाता है जाँच के लिए, और जब जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो जाए वहाँ से उसके बाद ही उनका वितरण किया जाएगा, अन्यथा पूरा का पूरा लॉट यदि उपयुक्त नहीं पाया जाता है मापदंड के तो उसको वापस कर दिया जाएगा। तो इस वजह से उनको रोका गया था। अब चूंकि उनकी लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं अधिकांश की, एक दो आइटम को छोड़ के बाकी ज़्यादातर आ गई हैं, तो अब इनका वितरण किया जा रहा है। बारासिवनी क्षेत्र के ग्राम झालीवाड़ा में सोसाइटी में अब तक 150 किसानों से 5169 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। इसका भुगतान भी कोऑपरेटिव बैंक द्वारा कर दिया जा रहा है। आपको बता दें यहाँ धान खरीदी तो कर ली गई है, लेकिन धान का परिवहन नहीं होने से सोसाइटी के कर्मचारियों और किसानों को भारी परेशानी हो रही है। परिचय सर, मैं यहाँ सेवा सेक्टर समिति झालीवाड़ा में वर्तमान में समर्थन धान खरीदी केंद्र में प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ। सर, अब तक कितने कृषकों को धान खरीदी की गई समर्थन में? सर, अभी तक झालीवाड़ा में 150 सदस्यों से खरीदी की जा चुकी है, जिसमें से 320 सदस्यों का पंजीयन। सर, आपके अंतर्गत अंसेरा समिति है? जी सर, हाँ, उपकेंद्र अंसेरा है, वहाँ पे 279 पंजीकृत सदस्य हैं, जिसमें से 152 सदस्यों ने अब तक धान दे चुके हैं। तो सर, ये जो खरीदी हो रही है सर, आपके यहाँ परिवहन नहीं हो पा रहा है, इसमें दिक्कतें हो रही होगी, आपको क्या कारण? हाँ सर, परिवहनकर्ता के कारण दिक्कतें हो रही है, वो ट्रक समय पे नहीं भिजवा पा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा? आपने वो सूचना दी होगी लोगों को? हाँ सर, डेली सूचना देते हैं, सुबह आते हैं सबसे पहले कॉल लगाते हैं कि सर ट्रक भिजवा दीजिए, माल शॉर्टेज होगा, बाहर रखा हुआ है, ट्रक वहाँ पर रखा हुआ है। तो सर, अभी क्या दिक्कतें आ रही है आपको परिवहन नहीं होने से? परिवहन नहीं होने से सर माल शॉर्टेज होगा। सर, जगह की अभाव है? जी, जगह। सर, भुगतान की क्या प्रक्रिया है? भुगतान सर बैंक ऑनलाइन है, तो बैंक को अपना जो शाखा स्तर पे वहीं पे तात्कालीन पर डे कर देते हैं। और सर, परिवहन होते यानी भुगतान हो रहा है? हाँ सर, डेली हो रहा है। और सर, जैसे जब जिस पे कर्ज है सर, उसको कैसे काटते हैं? सर, कर्ज में वसूली किसान यदि देना चाहता है, लगभग पूर्णतः काटने को तो यदि किसान को पैसे की जरूरत है तो उसका 50% तो काटते हैं, यदि थोड़ी बहुत जरूरत है तो दे देते हैं। लालबर्रा मुख्यालय में संचालित ब्लॉक की सबसे बड़ी वृहताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में धान खरीदी का कार्य बारदानों के अभाव में विगत 5 दिनों से बंद पड़ा हुआ था, और लगातार 3 दिन के अवकाश के बाद 26 दिसंबर को फिर से धान खरीदी कार्य प्रारंभ किया गया। धान खरीदी के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि 22 दिसंबर को जिला कलेक्टर द्वारा धान खरीदी केंद्र स्थानांतरित कर मार्केटिंग सोसाइटी प्रांगण में धान खरीदी करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह जानकारी मिलते ही पिछले 8 दिनों से अपनी धान बेचने का इंतजार कर रहे किसानों में आक्रोश व्याप्त हो गया। किसानों में आक्रोश को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए स्थान परिवर्तन आदेश को निरस्त करते हुए फिर से उसी स्थान पर धान खरीदी के आदेश दिए गए हैं, जिससे किसानों में हर्ष की लहर व्याप्त है। सोसाइटी अध्यक्ष, सबसे पहले किसानों को धन्यवाद देता हूं इस लड़ाई के लिए, और समस्त के किसान के साथ साथ हमारे हमाल मजदूर इनको भी धन्यवाद देते जो रात दिन से करके उन्होंने काम को कल खत्म किया, और साथ में राकेश भाई के धन्यवाद देते हुए मैं आभार करता हूँ सांसद महोदय जी का, जिन्होंने अथक प्रयास से यहाँ से इवन की कलेक्टर को कलेक्टर साहब से मिलकर कलेक्टर साहब से बात करके कलेक्टर को आदेशित करते हुए तत्काल कार्रवाई चालू करने कहा गया, परंतु हमने कलेक्टर चालू नहीं किया। हमको उनने भी फ़ोन किया बार बार कि आप तुम चालू रखो अनिल, मैं बैठा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अगर कल कुछ होता है। मतलब पूरा संभल बताया उन्होंने? उन्होंने संभल बताया, बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ, कल कोई बात होती है तो मैं आऊँगा। तो मैंने कहा साहब आप दिल्ली चल जाएंगे तो यहाँ पे आप तो दिल्ली चल जाएंगे, यहाँ जो कार्रवाई होगी वो या तो कर्मचारी के ऊपर होगी, उसका जवाबदार कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं कलेक्टर से बात कर रहा हूँ, बात करके मैं आदेश आपको आज या कल मिले, बात का विषय है, पर जहाँ धान आप ले रहे हैं वहीं धान आप चालू रखेंगे, जिसका कि अभी प्रमाण राकेश भाई ने जब फोन लगाया उससे हुआ। उसके बाद दुबे जी करके डिप्टी कलेक्टर हैं, उनका मैसेज भी आया और फ़ोन भी आया
जो आप तत्काल जहाँ खरीदी हो रही है वहाँ कोई खरीदी नहीं गई, क्योंकि असमंजस स्थिति थी वहाँ पे बहुत दूर पड़ता था, किसान लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे। किसानों ने कहा कि भाई हम वहाँ जाएंगे तो हमारी व्यवस्था बिगड़ेगी, हम एक बोरा भी छोड़ कर नहीं जा सकते, कोई यहाँ चोरिया जवाबदार कौन है। उसको देखते हुए यहाँ पे किसानों की मनसा को देखते हुए इसलिए खरीदी चालू नहीं की। किसान इसमें था कि यहाँ चालू करो कर। अब चालू कब कर रहे हैं? चालू आज से कर दी जाएगी। मेरी भाई अनिल शर्मा जी से दूरभाष पर चर्चा हुई, अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पे धान खरीदी को लेकर के शासन द्वारा कलेक्टर द्वारा स्थल परिवर्तन किया जा रहा है, तो मैं तत्काल लालबर्रा सोसाइटी पहुंचा। यहाँ पे देखा किसानों की समस्या बहुत ही दुखद थी, जिसमें मैंने तत्काल कलेक्टर जी से बात किया। दूरभाष पे कलेक्टर जी से बात कर कलेक्टर जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि हमने तत्काल स्थल परिवर्तन को कैंसिल कर चुके हैं और ऐसे निर्देश हमने संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को दे चुके हैं। फिर उसके बाद DMO तिवारी साहब से हमने चर्चा किया दूरभाष में, तो उन्होंने तत्काल ही हमारे लालबर्रा सोसाइटी के प्रबंधक को मौखिक निर्देशित किया कि आप लालबर्रा में जहां पूर्व में आप धान खरीदी कर रहे थे वहीं करेंगे। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक, 7 अहम एजेंडों पर की चर्चा। सदन में छाया रहा पेंशन का मुद्दा। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक ने दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा, 3 वर्ष का पूरा हो चुका है कार्यकाल। 14 जनवरी को किया जाएगा नए अध्यक्ष का ऐलान, 7 से 14 जनवरी तक होगा स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट। 7वां वेतनमान के आदेश जारी होने पर बिजली कर्मचारियों में हर्ष, ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। नगर का एक छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिखाएगा कुश्ती कला के हुनर। लापता क्षेत्र में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत। और जटिल जांच प्रक्रिया से पशु दवा वितरण प्रणाली प्रभावित, 1 माह से प्रक्रिया पर लगा विराम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।